हेलो गाइस, मैं हंस आ चुका हूँ आपके लिए फिर से एक और नई वीडियो लेके। आज की वीडियो में हम बहुत टाइम से कई भाई कमेंट कर रहे थे कि आयरन फार्म बनाओ, तो आज हम आयरन फार्म बनाने वाले हैं, वो भी एकदम जैसा टेक्नो गेमर ने बनाया है उसी जैसा, सेम टू सेम उस जैसा आयरन फार्म बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं, मैं आपको सामान दिखाता हूँ भाई। एक तो नेम टैग लेने में बहुत देर लगी मुझे मुझे कम से कम भी 2 घंटे लगे भाई। मैं फ़िशिंग करते करते नेम टैग लिया, और मेरा फ़िश फार्म जो बनाया था वो पता नहीं मेरा चल नहीं रहा था, इसीलिए मैंने वीडियो फिर वो अपलोड नहीं की। तो इसीलिए मैंने नॉर्मल फ़िशिंग करके ये नेम टैग लिया, और ये सारा सामान मैंने जो जो उसमें लगना है पहले से इकट्ठा करके रखा हुआ है, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इसीलिए मैंने ये सारा सामान पहले ही इकट्ठा कर लिया था। और ये देखो, मुझे एक सिल्क टच की पिकैक्स, मैंने गलती से सिल्क टच इसके ऊपर लगा दिया यार, ये सारी ख़त्म हुई पड़ी। अब मेंडिंग की कभी बुक मिलेगी तो लगाऊंगा। और ये देखो, इसके ऊपर शार्पनेस 4 है भाई, क्या बात है, बहुत तगड़ी वाली है अपनी। चलो अब जल्दी से मैं सो जाता हूँ। तो अगली, अब तक जो भी चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है, और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई दबा के। जल्दी से अपने 350 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो तो अगला सब गोल रखेंगे फिर। जल्दी से मैं अब आपको सीधा, अरे भाई यार कॉल आ गई थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। चलो गाइस करते हैं शुरू, जल्दी से मैं सारा सामान लेके जिधर मैंने वो फार्म बनाना है अपना उधर पहुंच जाता हूँ, और फिर हम अपना फार्म शुरू करते हैं। चलो चलो गाइस, गाइस, तो मैं पहुंच गया हूँ अपनी जगह पे, इधर हम बनाने वाले हैं अपना फार्म। और वो दूर जाना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि आसपास अगर गोलम होंगे तो विलेजर डरेंगे नहीं। तो इधर हम सबसे पहले 20 ब्लॉक ऊपर ले जाते हैं इसे। अरे यार तंग ना कर, 1 2 3 19 20। चलो देखो गाइस, 20 ब्लॉक ऊपर अपना हो गया। अब इसे 5 5 ब्लॉक इस साइड, 5 ब्लॉक इस साइड आगे करना है। 2 3 4 5 हो गया, 5 इस साइड लेके जाना है, 4 5। चलो अब इस ब्लॉक को तोड़कर इसकी जगह स्टोन रखता हूँ, कि ये ब्लॉक का पता चल जाए अपने को, इधर है वो ब्लॉक। अब एक ब्लॉक इस साइड इसे आगे करना है, ये हो गया बढ़िया। अब इसे ऊपर की तरफ एक को उठाना है, नीचे वाले को तोड़ देता हूँ। चलो गाइस, अब हमें इसको 3 3 ब्लॉक इस साइड लेके जाना है, 3 3 1 2 3। अब इस सारे को फिल करना है, तो मैं आपको सीधा फिल करके मिलता हूँ। तब तक जो भी वीडियो को देख रहे हैं नया बंदा चैनल पे, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। चलो गाइस, अपना ये कंप्लीट हो गया, देखो मैंने कर दिया सारा फिनिश। अब हमें इसके नीचे की तरफ 3 ब्लॉक लेके जाना है, 1 2 3, ये 3 ब्लॉक हो गया। अब हमें इसे कवर करना है कि इसमें ज़ोंबी गिर जाए। 2 3 4 4 ब्लॉक किए। चलो ये ज़ोंबी के लिए अपना रेडी हो गया। अब इसमें लगाते हैं एक ट्रैप डोर, जिससे ज़ोंबी को पता नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई ब्लॉक है या नहीं है। तो ये लो, अब इधर ज़ोंबी लाने का काम है, बहुत मुश्किल मुश्किल से ज़ोंबी लाया जाएगा यार यहाँ पे। अब मैं नीचे कूदता हूँ, यहाँ तो मुझे कूद के मरना पड़ेगा एक बार। तो सोच रहा हूँ एक चेस्ट बना के सारा सामान उसी चेस्ट में रख दूंगा। चलो गाइज, अब जल्दी से ज़ोंबी को ऊपर ले जाने के लिए मैं जल्दी से वो बना लेता हूँ, एक स्टेयर टाइप, जिससे ज़ोंबी अपना ऊपर आराम से चला जाए और अपने को भी दिक्कत ना हो। आई थिंक यहाँ से नहीं, वहीं से बनाते हैं, क्योंकि विलेजर को भी तो अभी अपन ने लाना है ना। इधर से बनाता हूँ मैं, सीधा ऊपर वाली साइड का इधर से बन जाएगा। एक
चलो गाइस, अब दिखाता हूँ कि ज़ोंबी उसके अंदर कैसे डालना है। आजा भाई, एक ही ज़ोंबी आई हो, एक ज़ोंबी आ जा, अंदर आया, अंदर आया जल्दी से। अरे भाई मारना, चल चल आया। अब देखो भाई, बस गोलम ना आ जाए इधर, आराम आराम से आता रहा भाई। आया, चलो गाइस ऑलमोस्ट ज़ोंबी आ चुका है। देखो भाई आ रहा पीछे बकरा बनने। अब जल्दी से बस इसके अंदर गिर जाए, और कुछ नहीं चाहिए। ये आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, गिर जा गिर जा। अरे वाह क्या बात है। अब जल्दी से मैं नेम टैग ले आता हूँ। नेम टैग चलो ये दे दिया इसे नेम टैग। अभी ये डीस्पॉन नहीं होगा। अब इसका गेट, ये फेंस के ये गेट भी तोड़ दो एक बार। यहाँ पे यही ब्लॉक लगाता हूँ। ये तो हो गया गाइज अपना इतना काम। अब इस साइड में अपने काम करना है। ये इधर रखो जल्दी से। ये भी इधर आ गया। ग्लास की नीड है, अब इसकी तो आई थिंक नीड है नहीं। तो चलो अब नीचे मैं बेस बनाने वाला हूँ। नीचे का बेस जल्दी से मैं आपको बना के मिलता हूँ भाई। पूरा 1-1.5 घंटा लगा मुझे। 1 घंटा, 1.5 घंटा तो क्या हो गया, ज़्यादा करिए, 1.5 घंटा लगा मुझे इतना ही बनाने में। अब हमने क्या करना है, अब हमने तैयारी करनी है कि विलेजर अपने इसके ऊपर लेके जानी है। विलेजर ले जाने के लिए सबसे पहले तो चाहिए अपने को बोट। बोट जल्दी से ले लेता हूँ। इधर किधर कई पड़ी है यार बोट्स तो, और एक ये रख देता हूँ पहले। तब तक बैठ जाएंगे, एक आधा विलेजर बैठ जाएगा इसमें। कहीं दो मत बैठ जाना यार, एक बैठो ओनली। एक विलेजर आगे बैठ जाओ जल्दी से। चलो सही है, शुक्र भाई इतना टाइम नहीं लगा। के अंदर अब ऐसे ही मैंने एक गिफ्ट वहाँ पे गया, ये रहा। हाँ चलो ये देखो, एक विलेजर आया। अब इसके अंदर मैंने 3-4 विलेजर ऊपर लेके जाने हैं, बाकी देखूँगा कि कितने लगेंगे। इसके बार बार मैं ये कवर कर देता हूँ कि कोई विलेजर को पता ना लगे। ओ विलेजर को कह रहा हूँ कि गोलम को पता ना लगे कि मैं इन्हें मार रहा हूँ। इन्हें मारूँगा ना फिर ये उसमें माइन कार्ड में जाके बैठेंगे, नहीं तो उसमें बैठेंगे नहीं। चलो गाइस विलेजर को यहाँ पे ले आया हूँ, 3 को लाया हूँ। चौथा मैंने कहा चलो बाद में ले आएंगे, 3 एक बार डालूँ उसमें। तो ये 3 आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने भाई इन्हें थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा। अब हमने इसमें एक, हाँ ये देखो ऐसे करना है। तो इसमें इस वाली को तोड़ के इधर लगानी है पावर ड्रिल, और इसके साथ लगानी है रेडस्टोन टॉर्च जिससे चल गई। और एक ऐसे कर कर के हमने और ऐसे, हाँ ये देखो ये मिल गई। ऐसे करके हमने आगे तक रेल बनानी है पूरी। चलो गाइस तो पहुंच चुके हैं विलेजर ऊपर अपने। भाई बहुत तंग किया इन्होंने, दिमाग ख़राब कर दिया। इतनी मुश्किल से गए हैं, मार मार के, मार मार के लेके गए हैं उन्हें। 3 विलेजर ही इतनी मुश्किल से गए हैं, एक और कहाँ से लेके जाता हूँ। अब इन्हें ग्लास को तोड़ता हूँ कि ये चले जाएं। कोई नीचे मकड़ी मुकड़ी ना हो यार जो। अब इन्हें बेड पे लेटाना है कि चला जाए बेड पे नीचे। ये भी तोड़ के देखता हूँ क्या पता चला जाए। नीचे जाए, चलो गाइस देखो मैंने कर दिया है सारे। ऊपर एक थप्पड़ मारा था, सारे ही भाग गए भाई, सारे अंदर चले गए हैं।
ये तीनों भी लेजर। अब इसके नीचे हमने बनाना है आगे कि ये गोलम को स्पॉन करें डर के। अभी मैंने वो ग्लास नहीं तोड़ा उनका कि वो डरें, क्योंकि अभी इसमें पानी भरना है, बहुत कुछ करना है, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है यहाँ पे। तो चलो पानी भरने का वो करते हैं सिस्टम। अभी इस ब्लॉक की नीड नहीं है तो इसे आपका कर देते हैं ये बंद। अब इसमें हमने हर कोने में एक एक वो पानी डालना है। टॉर्च आपा लगा देंगे इसके ऊपर। अब सही है लग यार, चलो बढ़िया गाइस। देखो टॉर्च लग गया। अब जल्दी से मैं ट्यूटोरियल देखता हूँ कि आगे क्या क्या करना है। एकदम टेक्नो गेमर जैसा बनाएंगे। और जब जो भी चैनल पे नया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सपोर्ट हो जाती है थोड़ी आपको। बाकी पता ही है कि सपोर्ट के साथ ही सब कुछ चलता है, ऐसे तो कुछ चलता भी नहीं है यार। चलो गाइस मैं जल्दी से ट्यूटोरियल देखता हूँ आगे क्या क्या करना है और शुरू करता हूँ। चलो गाइस देखो अपने इतना बना लिया है। तो जल्दी से, मेरे पास स्टोन की कमी हो गई थी इसलिए मैं स्टोन लेने आ गया। तो जल्दी से मैं स्टोन लेके, अपना इतना भी स्टोन लगेगा वो लेके तो चल पड़ता हूँ। तो फिर अपन जितना थोड़ा बहुत अपना रह रहा है वो कंप्लीट करते हैं, और मैं इसे कंप्लीट करके आपको मिलता हूँ सीधा। चलो गाइस अपना इतना फार्म बन गया, देखो दिखाता हूँ थोड़ा दूर जाके आपको। यार रिस्क क्यों लेना। देखो ये नीचे आपने वो डाला है लावा, साइन बोर्ड लगाए हैं पहले ऊपर, फिर ऊपर लावा डाला है, फिर उसके ऊपर फिर दोबारा साइन बोर्ड लगाए हैं कि पानी नीचे ना जाए। और यहाँ पे हर एक उसमें ब्लॉक पे पानी डाला है आपने, तो ऐसे हो गया। अब हमने डालना है इधर पानी, ये जो जगह है ना इधर, आपने हर जगह पे पानी डालना है, हर ब्लॉक पे कह सकते हैं। ये भी भर लिया। अब हर एक ब्लॉक पे अपने पानी डालना है, जैसे यहाँ से एक ब्लॉक ये हो गया, ये तो गलत हो गया, यहाँ से देखो वो पानी आगे तक जा रहा है ना, देखो। अब वो साइन बोर्ड के कारण पानी आगे नहीं जाएगा ज़्यादा। इधर हो गया, इधर। अब अपने पास इनफ चीज़ें हैं और कोई दिक्कत नहीं देगा कुछ, इन्हें तोड़ देते हैं जल्दी से। अब जैसे जो भी गोलम स्पॉन होगा ना यहाँ पे विलेजर करेंगे, तो अपने आप पानी के उससे उधर आगे नीचे चला जाएगा। तो आखिरी बकेट रहे, अरे यार लो आखिरी बकेट बकेट थी वो भी अपन ने डाल दी। तो ये देखो पानी अब इधर आ रहा है। पिकैक्स ख़त्म होने वाली है पहले ही। देखो ये पानी अपना नीचे नहीं जा रहा, देखो सीधा आ रहा है अच्छी तरह से। तो मुझे जगह बनानी पड़ेगी नीचे जाने की। एक बार विलेजर के पास से वो ग्लास भी तोड़ना है, चलो नीचे। देखो भाई पार्टियां चल रही है, ये अगर नीचे गिर गया ना, गिरते ही मर जाऊंगा मैं, गिरते ही। ओ भाई ब्लॉक खत्म, तो जल्दी से मैं ब्लॉक लेके आता हूँ। अरे गाइस ये वुड प्लैंक पड़े थे यार इन्वेंट्री में, तो मैंने सोचा क्यों जाएं फालतू में टाइम वेस्ट करें, वैसे इतना टाइम वो हो गया पहले ही। अब देखते हैं, अब यहाँ से चलते हैं। चलो इसे जल्दी से इस साइड करते हैं। चलो अब ये ज़ोंबी तो रेडी हो गया, अब हमने क्या करना है। अरे उसके उधर चला तो जाऊंगा, पर ये विलेजर का ग्लास तोड़ना पड़ेगा यार। ये भी तो बीच में था।
कैसे कैसे फंसा हुआ है भाई? ये खुद डरने लग गया। अब ये आयरन गोलम ऊपर वो करेगा, साइड हो जाएगा। होने दे दूसरी साइड। अब इधर प्लैंक लगा दूं कि दोबारा ना फंसे इस साइड। अरे भाई बेड लगाने दे, क्या कर रहा है? अरे भाई ये बेड लगाने की जगह कम पड़ गई इसकी। अब चलो हो गया। अब इस साइड से ये वाला ग्लास भी तोड़ना है। और कौन सी साइड है? वो दूसरी साइड विलेजर है। तो अरे किया क्या कर रहा है यार तू? एक तो ये तंग कर देते हैं भाई विलेजर धक्के मार मार के। वो वाला कौन है? हाँ ये उठ गया अब तीनों। अरे वहां पे कैसे पहुंच गया ये? ओ भाई हाइड हो जा। मुझे डर लग रहा है इसे। वो देखो भाई वो ही बात। वो भाग गए यार। अरे भाई अरे चलो गाइस आ चुका हूँ वापस। ये विलेजर अरे भाई 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 बचा ले। ओ भाई यार एक तो ये बहुत पंगा है इनका स्केल्टन का, और मेरा वो भी टूट गया यार बिल्कुल। इस साइड से बंद कि ये बाहर ना आए। अब उस साइड से बाहर ना आ जाए यार ये। ना उस साइड से ये नहीं आएगा तो ये अब ये गोलम स्पॉन करेंगे। चलो भाई देखो गाइस आवाज आपको आ रही होगी इनकी गोलम की। तो भाई गिरने वाला था अभी। जल्दी से अब अपना देखो फार्म तो चल पड़ा है। अब देखते हैं गोलम दो तीन मरे हैं तो कितने वो आए हैं। देखो भाई 8 आयरन आ भी गए, बढ़िया यार। चलो गाइस फार्म अपना हो गया रेडी। अब जल्दी से भाई ये इतने टाइम क्यों लगा रहे हैं यार? कि दूसरी साइड तो स्पॉन नहीं किया गोलम इन्होंने। थोड़ा स्लो है यार ये। हाँ देखो ये कर दिया गोलम स्पॉन। अब ये नीचे जाएगा और उसमें जल जाएगा देखना। ओ भाई क्या बात है। ए, गया गया गया। ये देखो गैस चलने लग गया ना ये भाई। ये है इन्फिनिटी वो देगा भाई ये। अब देखना जल के मरेगा ये। अब ये देखो मर गया एक हिसाब से, मरने वाला है। मर के ये अपने को इन्फिनिटी वो देने वाला है। ये देखो मर गया वो भी। अब इसे तोड़ना है हमने। ये अपने को इन्फिनिटी वो देगा गैस, मानोगे नहीं। इन्फिनिटी आयरन भाई मज़े आ जाएंगे। आयरन की तो अब कोई कमी होने नहीं वाली अपने को। चलो ये वुड तोड़ी। अब अपने को थोड़ा बहुत एक पिकैक्स चाहिए, तो जल्दी से एक पिकैक्स बना के ये सारा फालतू का गंद तोड़ देता हूँ मैं। तो चलो गाइस थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। और जो भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार गाइस, थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है। और मिलते हैं नई वीडियो में। अगली वीडियो में मिलता हूँ गाइस। चलो ओके बाय, टेक केयर एवरीवन एंड लव यू गाइस।